हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। जैसा कि लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमारे चैनल पे आपको हर क्लास के ईच एंड एवरी क्लास के एनसीईआरटी बेस सारे सब्जेक्ट के आपको ए टू जेड क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे, लेक्चर क्लासेस प्रोवाइड होंगे। और प्लस है, आप जब हमारे वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो हम टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट में जो अच्छा करते हैं उनको कंपनी एज ए गिफ्ट भी कुछ प्रोवाइड कराएगी। सो बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। कंटिन्यू बना आपका स्टडी जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में जब आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और प्राइज प्राइज लाइक लाइक अ प्राइज के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता, बट आपको मे बी कि आप पढ़ाई करते हो अच्छा, तो आपको उसके लिए ज़रूर आपको प्रोत्साहन मिलेगा। सो हम लोग आज जो है क्लास 11 का फिजिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 2 का यूनिट एंड मेजरमेंट का आज पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मैंने चैप्टर 2 को इसलिए यहाँ पे रखा बिकॉज चैप्टर 1 जो है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इट मीन्स कि अगर आप उसे सिर्फ रीड करते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो। वैसे भी वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपका यूज होता है चैप्टर 2 में ही। सो हम लोग जो है चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को। और इनके जितने भी क्वेश्चन का आंसर है एक्सरसाइज के, ये आपको जो प्लेलिस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल पे जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा होगा उस पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा एक चैप्टर का। इसी तरीके से आपका प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर का यूनिट का नाम ऐड होता चला जाएगा। सो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट या लर्न करके भी यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ 10^-6 m³ होता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमेशा हमें ये बात ध्यान रहना चाहिए कि हम जब भी किसी चीज़ का आंसर देते हैं तो उसका पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। रीज़न ना हो, कम से कम मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट होता है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैथ्स मैथमेटिकल होता है, मेथड होते हैं, तो हमें वो भी प्रूफ करना होता है कैसे ये आंसर आया, 10^-6 कैसे आया। सो हम लोग उसको देखेंगे। अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें मालूम है कि जो क्यूब है वो हमारा उसका जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, और हमें जो आंसर लाना है वो मीटर में लाना है। सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ये लिखेंगे कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 1/100 m होता है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 m आपके होते हैं। सो इन अ केस हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि ये सब लर्न रहना चाहिए बिकॉज ये सब हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, और आप क्लास 11th में हो तो ऑब्वियस सी बात है ये सब आपको आइडिया होगा। अब क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का होता है ए का क्यूब, यानी कि हम लोग का जो साइड है, ए जो साइड है, और ए कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 का क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, हमें बस ये देखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसे हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड मतलब बड़ा में लिखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्यूब में है तो हम लोग इसको 3 टाइम लिख दिए। ओके बच्चों, अब हम लोग हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेप, कि जो भी 1 सेंटीमीटर है जहाँ पे, वहाँ पे हमने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1/100 m। बस 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग को वो पुट करना होगा। सो 1/100 m इंटू 1/100 m इंटू 1/100 m। सो बेसिकली अब हम लोग जानते हैं कि
कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वन इंटू वन इंटू वन वन आता है, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें मालूम है कि जब भी इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट जितने भी जीरो हैं वो सिर्फ लिखते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे टू 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 सिक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब बच्चों आप देख सकते हो कि जो जीरो है जितने भी नीचे है ये सब आपके पॉजिटिव में है। सो जैसे ये ऊपर जाएंगे यानी यहाँ से इनका प्लेस जब ऊपर आ जाएगा तो ये निगेटिव में आ जाएंगे, यानी कि 10 to power -6। -6 इसलिए क्योंकि बिकॉज यहाँ 6 0 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला गया, और मीटर क्यूब तो आपका मीटर क्यूब है। तो ये रहा आपका आंसर, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि 10 to power -6 मीटर क्यूब होगा। ठीक है ना, केस ये अभी स्टार्टिंग है और मैं आपको बेसिक से नॉलेज देता चला जाऊँगा। किन्हीं को ये इजी मालूम है ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा किन्हीं के लिए, किन्हीं को ये हेल्पिंग होगा। सो बेसिकली हम लोग अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्टूडेंट का माइंड के लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे। सो बेसिकली हम लोग जो है डिटेल में ही चलेंगे। आपको जहाँ पे लगता है कि नहीं ये मुझे मालूम है वहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं और बाकी हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको कंटिन्यूसली ये नोट्स और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे मिलता रहे। थैंक यू, बाय।